Dear students, welcome on RCI online Pathshala. Now we start this question. ऐसे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी मिलेगा या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में भी. फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी दिस वन. देखिए अपने 11th में जो भी क्वेश्चन बनता है इनइक्वालिटी से, इससे टफ नहीं बनेगा. और देखिए उसके बाद सबसे पहले हमें ये क्वांटिटी की क्वेश्चन दिख रही है, इसके बारे में पता लगाते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो देखिए -2x² + 5x - 4, इसका आप कंपेरिजन किससे कर रहे हो? ax² + bx + c. ये आपने लास्ट क्लास में लर्न किया था, सीखा था. देखिएगा a इक्वल टू क्या आया? -2. b इक्वल टू क्या आया? 5. और c इक्वल टू क्या है? -4. इतना हो गया. अब देखो हम वहां पर a को चेक कर रहे थे कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो देखो a क्या है? लेस देन जीरो है. a क्या है? -2. और -2 क्या होता है? लेस देन जीरो होता है. और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको चेक कर क्या करना है? b² - 4ac को चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो ध्यान दीजिए, b² क्या होगा? 25. b² 25. -4, a का वैल्यू क्या है? -2. और c का वैल्यू क्या है? -4. तो उसके बाद आप देखो 25, ये दोनों तो पॉजिटिव बन जाएंगे और ये मिल गया आपको. और उसके बाद क्या आ गया? -7. और ये भी क्या हो गया? लेस देन जीरो हो गया. ये भी क्या हो गया? लेस देन जीरो हो गया. तो मतलब आपके पास ये लेस देन जीरो और b² - 4ac भी क्या आ गया? लेस देन जीरो. 4ac भी क्या है? लेस देन जीरो. तो 100% क्या होगा? -2x² + 5x - 4 क्या मिल गया? लेस देन जीरो. अब ये पता लग गया आपको लेस देन जीरो कितना है, इसके बारे में नहीं बता रहा, लेकिन ये पक्का है कि ये क्वांटिटी क्या है? 100% नेगेटिव है. तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा ठीक से समझ में आया होगा. तो मैं यहां से लेस देन जीरो है ना, इसको मैं यहां पे लिखता हूं नेगेटिव. बस अब आप एक बार जब क्वेश्चन को नोट करें तो इसे पूरा नोट करें, उसके बाद इसको नोट करें, और उसके बाद फिर दोबारा से यहां से चालू करें क्वेश्चन को. तो देखिएगा आगे कैसे होगा. और वैसे हम जब ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे उस टाइम मैं इन पर बेस्ड और वैरायटीज हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कराऊंगा ताकि आपका ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाए. तो देखिए अब ध्यान से, देखो ये नेगेटिव आया और आपको मैंने बताया था पहले -x > और -2 कहीं दिखाई दे या 2 भी कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं x > -2. अगर ऐसा किया तो आपका रॉन्ग है. आपको करना क्या है? बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई -1 एंड चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. ये आपको मैंने वीडियो नंबर 3 या 4 में बता दिया था. तो देखिएगा अब कैसे करेंगे. देखो ध्यान दीजिए बिल्कुल कि ये नेगेटिव है, तो अब नेगेटिव आया तो क्या करेंगे? बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई -1 एंड चेंज द साइन ऑफ इन इक्वालिटी. तो देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव है और -1 से आप इसको क्या कर रहे हो? दोनों तरफ. अब दोनों तरफ मतलब इधर करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. x - 2 का होल क्यूब और x + 4 की पावर 6, और जो ग्रेटर देन है वो किसमें चेंज हो गया? लेस देन जीरो. दोबारा से समझो, आप
आपको ये नहीं सोचना कि ये तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर है, अरे होगा, आपको तो इसको क्या आपने फाइंड आउट किया है कि ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव है ना तो ये आपको एक नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा, इसके बढ़ के कुछ नहीं है। और हमने क्या किया है, बोथ साइड्स क्या कर दिया, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया और जो साइन था उसको चेंज कर दिया, ग्रेटर देन है तो उसको क्या बना दिया, लेस देन। अब हमारा जो क्वेश्चन है केवल इतना बच गया, अब हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, अब हमने इसको मॉडिफाई करके और हमारे क्वेश्चन को ये बना दिया। और इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है ताकि आपको चीज के बहुत क्लियर तरीके में और आप अपने से इन सब चीजों का एसिमिलेशन कर सको। तो देखिएगा ध्यान से, इसके आगे कैसे हुआ, और अब तो क्वेश्चन इजी बन गया, अब तो आपको मुझे लगता है कि यहां तक समझ में आया। और यहां तक समझ में कब आएगा, जब आपने सब वीडियोस को सीरियल वाइज देखा होगा। तो ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन बन गया आपके पास, x माइनस टू का होल पावर 3 और x प्लस 4 की पावर 6 और लेस देन 0। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले सिंपल मेथड, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स वी गेट क्या होगा, x इक्वल टू 2 और यहां से क्या हो गया माइनस 4, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इनको आप क्या कर दो, नंबर लाइन पर ड्रॉ कर दो, ये माइनस इन्फिनिटी और यहां पर इन्फिनिटी, और यहां पे क्या आएगा माइनस 4 और यहां पे क्या आएगा 2, क्लियर हो गया। उसके बाद लेस देन का साइन है तो ये लो। उसके बाद इस देखो 2 कहां से आया है, यहां से आया है, इसकी पावर क्या 3 क्या है, ओड ओड है तो यहां तो पॉजिटिव लगाएंगे, ओड है तो माइनस, और माइनस 4, माइनस 4 की पावर क्या है, देखो x प्लस 4 यहां से माइनस 4 आया और इसकी पावर क्या है 6, तो नेगेटिव क्या रहेगा, नेगेटिव साइन चेंज नहीं होता जब इवन पावर होती है तो। अब लेस देन है तो उस कंडीशन में ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, ये आंसर नहीं होगा, लेस देन होता है तो नेगेटिव साइन को हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 और माइनस 4 से 2। अब देखो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को क्या होता है, ओपन इंटरवेल, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट, और इनपे भी क्या लगाते हैं स्मॉल ब्रैकेट, तो ये लो और यूनियन लगा दो और यही आपका क्या है आंसर है। तो आप एक बात सुनिए, जितना मुझे इस टॉपिक में आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कराना था उतना मैंने करा दिया है, और इस पे आगे जो वैरायटीज हैं, जैसे आप बात करें लॉगरिथम्स की बात करें, आप मॉडुलस की बात करें, आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें, आप फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें, आप इनके सबके जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करें, वो सब हम बात करेंगे आपको जब ऑफलाइन क्लासेस में मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से आपका न्यू टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू होगा।